यू ऑल, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने और भैया ने आसनों के साथ बहुत खेले, जिसका मैं छोटा एक क्लिप पूरा तो नहीं दूंगी, एक दो मिनट का ही दे दूंगी, बाकी मैं नहीं देने वाली, क्लिप आपको शो कर लियो। तो लेट्स गो। तो आपने देखा ना हम कैसे खेल रहे हैं स्नो के साथ। इस गेम के बाद स्नो पूरा वो हो गया था, पूरा टायर्ड हो गया था। एक्चुअली मैं पूरा ही दे देती है क्लिप, बट मैंने ना पहले जो मैंने शूट किया था वो एक्चुअली मैंने रखा था, और मैंने यू नो हाउ क्लम्सी आई एम राइट, तो मैंने ना कैमरा का स्विच ही नहीं दिया था कि रिकॉर्ड करने का, और मैंने रख दिया था। थैंक गॉड मैंने कुछ देर बाद मैंने जाकर चेक किया, मैंने सोचा कि चेक कर लूँ कि कैसा हुआ, क्या अच्छा हुआ कि नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग, बट फिर मैंने देखा कि मैंने तो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके बाद हम थोड़े टाइम तक ही खेले, क्योंकि स्नो भी पूरा टायर्ड हो चुका था और हम भी ओके, हम इतना ज़्यादा नहीं हुए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल वो तो हो गया था क्योंकि लास्ट में आपने देखा ना उसे। उसके बाद स्नो के साथ खेलने के बाद मैंने द आउटलॉज देखा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट मैंने देखा। ओके, मुझे कई दिनों से देखना था क्योंकि बीइंग अ रोमकॉम फैन, ओके वो ज़्यादा रोमकॉम तो नहीं था, ज़्यादा कॉमेडी था, मोर ऑफ अ क्वर्की फिल्म, बट रोमांटिक भी था थोड़ा बहुत, तो आई गेस मैं रोमकॉम कैटेगरी में ही लेती हूँ। तो मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा था मुझे देखना था, बट टाइम ही नहीं मिला, तो आज फाइनली टाइम मिला मुझे, तो मैंने देख ही लिया एंड आई एम हैप्पी कि मैंने देखा। अच्छा फिल्म है, मतलब फील गुड वाला फिल्म है कि आप देखो, वन टाइम वॉचर, आराम से देखो और फिर हंसो और क्या। ओके, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप ज़रूर देखना, आप देख सकते हो, बुरा नहीं है फिल्म, अच्छा ही है।
यू कैन वॉच। और तो कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, मेरी एक बहन आई थी, मेरी छोटी बहन। तो एक्चुअली यू नो वी मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो मैंने एक वेबसाइट भी खोला है। तो उसके लिए मुझे राइटर की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं भी खुद एक कंटेंट राइटर हूँ। मुझे इतना लिखना पड़ता है कि मेरे अपने वेबसाइट के लिए मैं कैसे लिखूँ। मेरे और भैया का हमने एक साथ ही पार्टनरशिप में खोला है। तो उसके राइटर के लिए मैंने सोचा क्यों ना मेरी छोटी बहन को हायर कर दिया जाए। तो उसको आज हमने समझाया कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो बाकी तो हम भी लिखेंगे, हम भी लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ वेबसाइट के लिए, भैया भी लिखते हैं डेली वन, बट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इसलिए उसको समझाया है, आई थी वो आज, तो मैंने और भैया ने समझाया। पता नहीं लिख पाएगी या नहीं, तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। तो फिलहाल के लिए वही, बाकी मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग पर मतलब कल वाले ब्लॉग पर, डोंट वरी, कल संडे फंडे का ब्लॉग आएगा। और होप सो मैं वो वाला पार्ट टू ही करूँ। पहले संडे फंडे का पार्ट वन था, हाफ था, उसके बाद का वाला पार्ट टू ही करूँ। तो यू बेटर स्टे ट्यून्ड। और तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय। मंगल।